जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग बाबा में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे चार धामों में से पहले धाम के यानी कि यमुनोत्री धाम के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अब की बार चार धाम की यात्रा 10 मई 2024 से स्टार्ट होने वाली है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य की पत्नी की दो संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के दिन एक वरदान मांगा कि पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेगा उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी यमुना की पवित्र निर्मल जलधारा में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुनोत्री धाम की कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपको यात्रा करने से पहले यहाँ पर कहाँ रुकना होगा, घोड़े खच्चर पालकी का किराया कितना होगा और वहाँ आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिलेगी या नहीं। साथ ही दोस्तों, यात्रा करने का सही और सस्ता तरीका क्या रहेगा, साथ ही यात्रा के दौरान खाने की क्या व्यवस्था रहेगी और भी बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक की आज आपको हम पूरी यात्रा दिखाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहने की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि आप यमुनोत्री धाम कैसे पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर बस, ट्रेन, बाइक या फिर हवाई जहाज के द्वारा भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालांकि बात करें ट्रेन की तो आपको ऋषिकेश तक ट्रेन अवेलेबल होगी, उसके बाद ये यात्रा आपको बस या फिर टैक्सी के द्वारा आप ये कर सकते हैं। ट्रेन आपको हरिद्वार या ऋषिकेश तक सभी राज्यों से अवेलेबल हो जाएगी तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। वहीं बात करें हवाई जहाज की तो यमुनोत्री धाम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट यहाँ पर आपको जोली ग्रैंड देहरादून का एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। बात करें दोस्तों बस से तो आपको हरिद्वार के लिए आपके सभी राज्यों से यहाँ पर बस अवेलेबल हो जाएगी। हरिद्वार के बाद आपको यहाँ पर जानकी चट्टी तक आपको यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट की बसें भी देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर स्टेट बसों के द्वारा भी जानकी चट्टी तक पहुँच सकते हैं। साथ ही बात करें ट्रेन और बस के दिल्ली से किराए की तो ट्रेन का लगभग 160 रुपए किराया रहता है हरिद्वार तक और उसके बाद आप यहाँ पर 320 रुपए का किराया देकर आप बाई बस जानकी चट्टी तक पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी कार से। दिल्ली से यह सफर लगभग 420 किलोमीटर का रहेगा और समय आपको लगभग 8 से 10 घंटे का आपको लग जाएगा। साथ ही बात करें पेट्रोल सीएनजी की तो पेट्रोल की देखो आपको कहीं देख कमी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सीएनजी आपको ऋषिकेश तक ही अवेलेबल होगी, उससे ऊपर पहाड़ों में आपको कहीं सीएनजी अवेलेबल नहीं होगी। वहीं बात करें टोल की तो अप एंड डाउन का लगभग 890 रुपए का टोल यहाँ पर आपको लग जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आप सभी को सबसे पहले जानकी चट्टी आना होता है, क्योंकि यमुनोत्री धाम तक आप सीधा गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हैं। आपको पहले जानकी चट्टी आना होगा और फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। पर ज्यादातर यात्री जानकी चट्टी तक सीधा नहीं आते क्योंकि जानकी चट्टी की दूरी हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर की है और साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से लगभग 420 किलोमीटर की दूरी है जानकी चट्टी की। तो यात्री सबसे पहले बारकोट तक पहुंचते हैं और फिर अगले दिन बारकोट से जानकी चट्टी पहुंचकर यमुनोत्री धाम में दर्शन करके वापस बारकोट आ जाते हैं। बारकोट से जानकी चट्टी तक की कुल दूरी 45 किलोमीटर की है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहुंचने के बाद में आप यहाँ स्टे कहाँ करें। यदि आप एक दिन हरिद्वार में स्टे करना चाहते हैं तो आपको लगभग 300 रुपए से लेकर और 1000 रुपए तक में काफी अच्छे रूम देखने को मिल जाते हैं। यदि यह यात्रा आप बारकोट तक करना चाहते हैं और बारकोट में अपना स्टे करना चाहते हैं
तो लगभग 500 रुपए से लेकर 1500-2000 रुपए में आपको काफी अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यदि दोस्तों आप डायरेक्ट जानकी चट्टी आप पहुंचना चाहते हैं और वहां अपना स्टे करना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए से लेकर और 2500-3000 रुपए तक के भी रूम आपको देखने को मिल जाते हैं। ये प्राइस आपको अकॉर्डिंग टू सीजन रहेंगे कि आप किस टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं। जानकी चट्टी तक आप अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के लिए कार पार्किंग भी देखने को मिल जाती है और यहीं से ही हमारी यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री धाम के लिए। यहीं से दोस्तों एक रास्ता जाता है पैदल यात्रियों के लिए, साथ ही दूसरा रास्ता जाता है दोस्तों घोड़े खच्चर और पालके वालों के लिए, जो आगे चलकर ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिल जाते हैं। यदि दोस्तों आप चलने में असमर्थ हैं तो आप यहीं से आप अपने घोड़े खच्चर या पालके भी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप यहीं से यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए आप घोड़क लेते हैं तो आपको वह लगभग 2500 से लगभग 3000 रुपए के आसपास में मिलेगा। साथ ही दोस्तों बात करें पालकी की तो 5000 के आसपास में आपका पालकी का चार्ज रहेगा। जैसे ही दोस्तों हम ये ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, जो आप उत्तराखंड की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.government.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी जो पैदल ट्रैक है ये लगभग 6 किलोमीटर का होता है, उसे कवर करने में हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि इस यात्रा को हमें पूरा करने में कितना समय लगता है। साथ ही ट्रैकिंग करने के दौरान आपको रास्ते में जगह जगह कुछ न कुछ यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जिससे आपको इस यात्रा के दौरान यहाँ पर कोई खाने पीने की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान आपको पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मांसाहारी खाना वर्जित है। तो दोस्तों ट्रैकिंग करते समय आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको इस ट्रैक के दौरान आपको मिलेंगे और इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते आपको कब आपका ट्रैक कम्प्लीट हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं माता यमुनोत्री के धाम और लगभग आधा किलोमीटर पहले ही आपको माता यमुना जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता यमुनोत्री की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, हालांकि केदारनाथ से कम है बट कठिन जरूर है। यदि आपके साथ में कोई वृद्ध या बुजुर्ग आपके साथ में आ रहे हैं तो आपको उनको जानकी चट्टी से ही उनके लिए घोड़ा और पालकी करा दीजिए, जो वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाए। साथ ही बात करो यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस की तो आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप अपनी यह चार धाम यात्रा खुद से प्लान नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर टूर पैकेज के द्वारा भी आ सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर के साथ में ही आपको एक सूर्य कुंड भी देखने को मिल जाता है। सूर्य कुंड में आपको गर्म जल देखने को मिल जाता है, ये एकदम नेचुरल पानी यहाँ पर गर्म निकलता है और इसी में आने वाले श्रद्धालु स्नान करने के पश्चात में ही माता यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य भगवान ने स्वयं गर्म जल धारा का रूप धारण किया है। पहाड़ों में सर्दियों के समय यहाँ पर ठंड के दौरान भी इस कुंड का पानी गर्म ही निकलता है। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना गया है तो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर इस कुंड के अंदर चावल भी पकाते हैं और यहीं से अपने घर के लिए प्रसाद के रूप में वो चावल लेके जाते हैं। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश भाग राजा सुदर्शन शाह ने 1885 में करवाया था, लेकिन भूकंप के कारण एक बार यमुनोत्री धाम पूरी तरह तहस नहस हो गया था। 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी बुलेरी के द्वारा यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको यमुना जी के। तो फाइनली दोस्तों हमने माता यमुनोत्री जी के दर्शन कर लिए हैं और इसी तरह अब हमारी पहली धाम की यात्रा कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की, यानी कि बजट की। यदि आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं और रूम भी यदि आप 400-500 रुपए तक का लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको लगभग 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में आपका बजट रहेगा। यदि आप साथ ही टैक्सी कर यहाँ पर आ रहे हैं और रूम भी अच्छे लेना चाहते हैं तो आपका लगभग 3500-4000 रुपए से लेकर 7-8000 रुपए तक का आपका इस यात्रा का बजट रहेगा। तो दोस्तों मैंने यमुनोत्री धाम की छोटी से बड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की है, साथ ही यदि मेरे से कोई भी जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। और साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखना। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय माता रानी।